हाँ नरेंद्र, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बहुत दिनों बाद बात हो रही है। हाँ सर आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी हैं, हम भी थोड़ा इधर उधर कोर्ट में। देखो, ये व्यस्तता किसी काम की नहीं रह जाएगी यदि हम जी 2024 में इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित नहीं करते, और वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसका हमने ऐप भी लॉन्च कर दिया है और ओ वेरी गुड। एक एक पार्टी भी बना दी है। या, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी, या, या। वो व्हाट इज द पार्टी नेम ऑफ दिस नहीं, पार्टी? उसको गोपनीय रखा गया है क्योंकि वो नेम जो है अहमियत नहीं रखता है। उस पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ इतना ही काम है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को संसद क्षेत्र में चंद्रगुप्त स्थापित करेगा, वह उसके पास ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि मुझे जो है नेशनल पुलिस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का जो है आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, लिहाजा ये टिकट आपके लिए है। और ये पॉलिटिकल पार्टी ना तो कोई आम सभाएं करेगी, कुछ नहीं करेगी ये, क्योंकि जो जीतने की स्ट्रेटेजी है वो भी खर्च विहीन है। हमें इस दौरान 15-18 महीने में लोगों के दिमाग में, और जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं उनकी संख्या 100 करोड़ तक ले जाना है, और उन्हें अपनी छत पर खड़े होकर दीपक जलाकर थाली बजाकर और अपने चंद्रगुप्त के बारे में उन्हें संकल्प लेना है जिताने का। तो जब वोटर स्वयं जो है, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य भी होंगे और खुद संकल्प लेंगे अपने चंद्रगुप्त को जिताने का, तो हमारे जी चंद्रगुप्त बिना जो है किसी खर्च किए हुए अपने आप जो है जीत जाएंगे। और फिर इसी जो है कि कितने लोगों को जोड़ा है, इसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर उसे आगे जो है मंत्री मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। और हमें देखो नरेंद्र, इस बात का भी एहसास है कि ये सब दुष्ट राजनेता जो कि सिर्फ अपने लाभ के लिए सत्ता में बैठे रहने के लिए, किसी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, इनकी दुष्टता की पराकाष्ठा ये है कि जिन लोगों के कारण ये राजनेता बने हैं उन्हीं को ये रोज विश्वासघात कर रहे हैं। आप बताइए कि जिन जिन जिन्होंने इन्हें राजनेता बनाया है उनको नजरअंदाज करके, धोखा देके ये टिकट जो है दल बदलुओं को, बाही बलुओं को, अपराधियों को, अपने नेताओं के आकाओं के बच्चों को दे रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ता के साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं, तो ये तो देश के प्रति विश्वासघाती हैं, देश की जनता के पास विश्वासघाती हैं और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी विश्वासघाती हैं। अब ये बताइए, हम और आप जैसे लोग जो इतने वर्ष और इतने उससे कोर्ट कचहरी का कर रहे हैं, क्या हम और आपने अभी भी जनता को ये बता पाया है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो इन दुष्ट राजनेताओं ने आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं। इन्होंने वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है जो रोज न्याय की नौटंकी करती थी, और फिर भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना किसी बड़ी गलती के फांसी के फंदे पर लटका देती थी। और उसी व्यवस्था को जो है ना संविधान के 4-4 आर्टिकल में शक्ति दी गई है और उसे न्याय व्यवस्था के भी ऊपर कर दिया है। देखिए, आप सेक्शन 197 को देखिए, ये बादशाह लोग जो है अपराध भी करेंगे, इनका अपराध सिद्ध भी पाया जाएगा, लेकिन जब तक इन क्या नहीं, आप सहमत है इस बात से? नहीं है बिल्कुल सहमत। तो फिर जो है चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं जब अब 5 पैसे जेब में खर्च नहीं हो रहे हैं? क्या ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय इच्छा है कि अभी हमें और हमारी दुर्गति होना है? क्या ये कहीं उस चौपाई से जो है हमें सोचना चाहिए जिसमें कहा गया है कि प्रभु जाको दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेहीं, तो अभी हमें और दुख मिलना है इसलिए हमें ये दुष्टता समझ में नहीं आ रही है और हम इन्हीं दुष्टों को, इन्हीं षड्यंत्रकारियों को, इन्हीं देशद्रोहियों को, इन्हीं काले चरित्र के लोगों को हम जाना
वोट भी दे रहे हैं, रोज जो है ना हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक ढंग से विवेचनाएं नहीं हो रही हैं, और बाहुबली अत्याचार कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और सिस्टम कोई रिलीफ किसी को नहीं दे रहा है। तो ये क्या कहीं वही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले ही, शायद हमारे दुखों का अभी अंत नहीं हुआ है, अभी हमें हमारे पुराने कुकर्मों का जो प्रारब्ध है अभी हमें और भोगना है। क्या सोचते हैं? या हमारे लोग अभी भी जागृत होकर बिना खर्च के चंद्रगुप्त बन के इन बड़े बड़े दिग्गजों को जो जो चार चार पांच पांच छह छह बार जो है ना सांसद रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल बिना किसी खर्च के एक ऐसे अदृश्य से जाने अनजाने चेहरे जिसको जो कि चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करेगा उससे ये हार जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। आपको नहीं लगता है कि ये मॉडल बहुत ही पावरफुल है और 9 दिन में आपको 100 करोड़ तक पहुंचा सकता है यदि मात्र हम अपने जो है ना अपने संकल्प को पूरा करें? क्या कहते हैं मिस्टर? आप तो एडवोकेट बिल्कुल हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोज खड़े रहते हैं, बिल्कुल आप बताइए जो मैं ये बात कह रहा हूं, जो मैं मॉडल कह रहा हूं, इसकी गहराई को आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे। इसमें ये बताइए कोई लोचा है, कोई कमी है? दो तीन चीजें अच्छी हैं मुझे इस पहले ये सिस्टम बताइए कि आपकी जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? है। आप अपने जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। क्या हम किसी नियम कानून या कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं? नो क्या हम चक्का जाम, जुलूस, धरना, घेराव, दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो, इस तरीके की भाईजाती कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं कर रहे हैं। हम अपने ही लोगों को शपथ के हिसाब से जोड़कर यदि हम उनसे बात करेंगे और इतने बड़े मकसद के लिए बात करेंगे तो आपके नेटवर्किंग में आपका कद बड़ा होगा कि नहीं होगा? आपकी सेल्फ स्टीम बड़ी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल तो आप बताइए, हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा आए, बिना खर्च के जो है इन दिग्गजों को जो कि करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, ये धराशायी हो जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और अपने जेब का 5 पैसे खर्च नहीं होगा, और फिर हम पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर उन सब नियम कानूनों को बदल पाएंगे। और इसमें हमने वो लीवे भी दिया है कि इनके जितने जो है घाघ वाले काम है हम इनको ही परास्त करेंगे उसी घाघ ताप में। जैसे इनका घाघ वाला काम है कि ये वोटर्स को की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उनके वोट को खरीदते हैं, तो उनको पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो ये दारू दारू साड़ी बांटेंगे और हम अपने मिशन के सदस्यों से कहेंगे लूटो इन राजनेताओं को लूटो, क्योंकि ये सब जो है ना भ्रष्टाचार का पैसा है, तुम्हारा ही पैसा है, अब इसके बाद आपको जो है ना इन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब पराजित हो जाएंगे, लिहाजा इसको पूरी तरह से इस बार लूट मारो। तो 1 या 2 हजार से काम नहीं चलेगा, 10 हजार, 20 हजार और 30 हजार मांगो। एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 6 साड़ी चाहिए। यदि ये दारू बांटते हैं तो इनको बताइए दुष्ट लोगों, तुम ही ने हमको दारू की लत लगाई है, एक दारू से हमारा बोतल से हमारा क्या भला होगा, हमें एक क्रेड दीजिए और ये वोट हम फिर इसके बाद अपने चंद्रगुप्त को देंगे। तो ये सब दुष्ट हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन को इस बात का एहसास है कि हारने के बाद ये हमारे गरीब सदस्यों की हड्डी पसली तोड़ने के लिए जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है कि हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, इसे अपराध बना के इन सबको जेल में सड़ने के लिए बेबस कर देंगे। लिहाजा ये हमारे गरीब सदस्यों को जिन्होंने अपने मिशन अध्यक्ष के आदेश के तहत इनको लूटा है, उनको उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा सर, मैंने आपको फोन एक चीज और के लिए भी किया था। ये तो था ही सिस्टम में, तो हाँ सर ये मैंने किया था जिसके लिए आपने मेरी एक हेल्प की थी, आपको याद होगा। बताइए। आपने मेरी हेल्प की थी, आपको याद हाँ होगा। मुझे याद है, जो एक झूठा केस उन्होंने बनाया था आपके खिलाफ, यस, ये तो हम उसका रोज देखो यार नरेंद्र जी समझ लो, जी ये जनता के हर आदमी के साथ रोज हो रहा है,
केवल जो है ना पात्र बदल जा रहे हैं और दुष्टता का नंगा नाच हो रहा है। हो बिल्कुल सही बात रहा है, है कि नहीं हो रहा है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही उसमें बात कोई है। अच्छी प्रगति हुई है क्या? आपने देखा नहीं क्या उसको, जो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। आपको डीजीपी ने ग्रुप से बाहर किया था, उस डीजीपी को हाई कोर्ट ने तलब किया है विथ एफिडेविट। अरे ये मोटी खाल के लोग हैं, ये डीजी वजी थोड़ी है, इनका कोई चरित्र है क्या? ये घटिया सुनिए चरित्र के सुनिए जो है सुनिए, ना राजनेताओं के कम का चरण सेवक है, इन्हें डीजी वीजी कह के इनका जो है ना महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। एसपी रीवा, दोनों हाँ एसपी राकेश सिंह और जो हाँ करंट एसपी है हाँ डीजी, और क्योंकि कंप्लेनेंट ऑलरेडी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट और कंप्लेनेंट ऑलरेडी एडमिटेड देयर कि एंटायर थिंग इज फोर्स एंड फेक एंड फोर्जरी एफआईआर व्हिच इज द ड्यूल्ड एंड ब्रूटल बाय द एसएचओ हनुमाना फॉर द लॉस द कंप्लेनेंट फॉर द लॉस द एफआईआर अगेंस्ट द पटिशनर। ये पूरा वीडियो चल रहा है, आपको पता नहीं क्या, इतना एमपी में न्यूज चल रही थी 3 दिन से। मैं आजकल देखता नहीं हूँ ये चैनल वैनल फालतू की। मैं आप आपको ना आपको भेज देता हूँ मुझे उसकी वो उसकी। भेजिए तो आप, अभी इंटरेस्टिंग है तो इसको जरूर देखेंगे। हाँ इंटरेस्टिंग, वो लेकिन आजकल यूट्यूब में कर दिया है ना हाई कोर्ट ने लेकिन पूरा। जानते हो क्या है, हाँ ये इतने जो है ना घृणित आपस में वो चीजें हो गई हैं कि हाँ इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने में, चूंकि आप वकील हैं आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो फिर भी आप काफी हद तक आगे ले जा पाएंगे। आप एक आम जनता के हिसाब से सोचो ना, उसको तो वकील भी ठीक ढंग से गाइड नहीं करता है, वकील भी उसको लूटने के चक्कर में लगा रहता है। कई बार वकील जो है ना दूसरे पार्टी के साथ साठगांठ करके अपने ही फरियादी की ऐसी कम तैसी कर देता है। हम चारों तरफ से दुष्ट व्यवस्था में घिर गए हैं नरेंद्र। इस देश को इस दुष्टता से बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक फुल फ्लेज्ड खर्च विहीन मॉडल लेके आए, जो क्राइम फ्री भारत मिशन लेके आया है। अंकल जी, वो तो मैं आपके साथ में ही हूँ, उसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब यह है कि 2 रुपये नहीं कमाऊंगा तो कहाँ खर्चा कहाँ से चलेगा। नहीं, देखो इस मॉडल की स्ट्रेंथ ये है, यदि हम शपथ पत्र के हिसाब से लोगों को जोड़ें। तो अभी आपने, मेरे ख्याल से आपने तो शायद ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है। आर यू कनेक्टेड विद द क्राइम फ्री भारत मिशन थ्रू ऐप और नॉट? नो नो, कनेक्ट ऐप से नहीं कनेक्टेड हूँ, आपसे हूँ व्यक्तिगत, जो चेयरमैन है नहीं, इसका। मेरे देखिए मेरे से व्यक्तिगत रूप से, जस्ट जस्ट ए मिनट नरेन्द्र जी, मेरे से आपकी व्यक्तिगत, आइडियोलॉजीज को मैं फैला रहा हूँ, अब क्या चाहिए अंकल जी, नहीं आप नहीं बताइए। आपकी कोई नहीं नहीं आइडियोलॉजीज को सर मैं पूरे नहीं एरिया नहीं में नहीं फैला पोस्ट कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं फैलाना है। चंद्रगुप्त बन के फैलाना है, हाँ नहीं, पक्का पक्का, वो तो मैंने तो आपसे वादा उसको किया है, वो उसको वादा करने के नहीं बाद नहीं कोई नहीं आप करता। चंद्रगुप्त तब तक नहीं बन पाएंगे जब आप, जबकि आप जो है ना लिंक से जुड़ेंगे नहीं। जब मैं तक जुड़ आप, जाऊंगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, मैं जुड़ आपको जाऊंगा आज ही भेज रहा हूं, इस शुभ काम को आज ही करिए आप। मैंने कर देंगे हम अच्छा शाम उस, को। अच्छा उसके इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए मुझे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ फिर क्या हुआ उसमें आगे, और कुछ अभी डेवलपमेंट उसमें हुआ है अरे कि सिर्फ नोटिस गया है? बहुत तगड़ा हुआ सर, डीजी उसने हाई कोर्ट ने बोला कि विदिन मिनट्स में मुझे डीजीपी मध्य प्रदेश और एसपी रीवा चाहिए। ठीक, ठीक है। अब वकील जो है तो वो तो ऑनलाइन चल रहा था, यूट्यूब में आजकल चलता है ना पूरा, तो हाँ, नहीं आप मुझे लिंक वो भेजिएगा, मैं उसे जरूर देखूंगा, जरूर हाँ। तो अब देखूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो कंप्लेनेंट जो था वो भी एडमिट कर लिया कि फेक एफआईआर लॉस हुआ है, हमें एसएचओ ने मारा, पुलिस वालों ने मारा और जबरदस्ती गाड़ी का मालिक भी मारा, उसके बाद हमसे एफआईआर करवाई गई, जबकि बारह ओ हजार ग्रेट रुपए का ग्रेट, जो चलिए तो बहुत है ही ना। अच्छी बात हुई। वाओ हाँ, वाओ अब ये एसपी रीवा, और हमने आगे बताया जब कोर्ट ने पूछा, मैं बोला ऑलरेडी एंटायर थिंग भी ऑलरेडी पुटिंग बिफोर द एसपी रीवा या डीजीपी मध्य प्रदेश, बट इट नॉट गेट हियर एनी इंटरेस्ट, है ना। कोर्ट ने बोला कि आपने कैसे बात किया, मैं बोला फोन नंबर से और ईमेल से किया उनको, तो उन्होंने बोला फोन नंबर लिखा है, ईमेल दीजिए, व्हाट्सएप दीजिए, सब कुछ मैंने वो भी दे दिया, तुरंत कोर्ट ने पुटिंग कर दिया, समझ रहे हैं ना। विथ एफिडेविट आपने क्यों नहीं टेकन एक्शन लिया, और मानवाधिकार के साथ में उसने एक कमेटी गठित कर दिया। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ, अब उसको बोला है कि 15 दिन के अंदर में मुझे रिपोर्ट देना है, और फिर हम उसके बाद रुक गए क्योंकि कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट जब हुआ है तो उसके बाद वो उसका बोला कि कोर्ट ने बोला कि इसका सिग्नेचर वगैरह भी आपको कराना है, तो 8 बज गए रात के, 9 बज गए, तब उसको से मैं उसको हैंडलिंग। उसको 164 का अलग से भी करा लो उसका कोर्ट में। अरे आप क्या जरूरत है, ओपन कोर्ट में हो तो गया अच्छा हाई कोर्ट कोर्ट, में। अच्छा ये कोर्ट में, अच्छा कोर्ट के अंदर ही दिया है ये? हाँ, कोर्ट के अंदर ऑनलाइन चल रहा था ना न्यूज, अच्छा नहीं, ऑनलाइन मैंने नहीं देखा है ना।
यूट्यूब आजकल हाई, जब से यू ललित आ गए, ये आ गए ना चंद्रचूड़, हाँ इन्होंने क्या किया, जितनी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है सबको यूट्यूब में कर दिया। जैसे जब बहस चल रही है यूट्यूब में, नेट में अपने आप ऑनलाइन देख सकते हैं आप। ओ वाह हाँ तो उससे क्या है, तो वो चल रहा था तो अपने आप वायरल हो गई चीजें। हमें भी नहीं पता था, हमें रीवा एसपी जो नवीन वशीन था उसी ने भेजा था। अच्छा हाँ अभी अंकल एक चीज और है, जो उसमें आपने डीआईजी रीवा को बोला था, आपको याद होगा, हाँ हाँ बोला था, वहां तो उसका नाम क्या था, उसका मैंने नाम मेंशन नहीं किया। मैं भी भूल गया हूँ यार, कौन था वो उस समय। नहीं बदमाश बहुत था सर, वो भी बदमाश था। लेकिन ठीक था वो आदमी, कुछ यार याद नहीं है मुझे। आप जरा मिल कम्युनिकेशन में देखो ना, मिल जाएगा ना अपना। तो जाएगा इतना। एक्चुअली है क्या कि हमारे मोबाइल में ना हाँ 4-5 हज़ार आईएएस आईपीएस, क्योंकि आदमी पढ़ाता लिखाता है, जुड़े हैं बहुत सारे, हमें पता है उसका नाम क्या है, इसलिए मैंने है ना, तो आप जैसा कहें उसको कहिए तो उसका भी नाम ले ले, ना कहें तो रहने दे, छोड़ नहीं, दे, लेकिन उसने तो इतना तो मदद रहने। कर उसने मदद करने की कोशिश की थी। उसने कभी जो है ना, पर हाँ ही नेवर एक्टेड अगेंस्ट अस, हाँ वो तो नहीं था, मतलब तो ये उसने है तो उसने हाँ डीजीपी को और एसपी को तो ले ही लेते हैं, और पक्का एसएचओ। पक्का हाँ पक्का 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 वो आप पक्का। देख लीजिए, मैं आपको वीडियोस नहीं, भेज रहा हूँ। डीआईजी वाज ए नाइस पर्सन नंबर वन, और दूसरी हाँ बात, जब ठीक उसको शिकायत की गई तो ही वाज फेवरेबली इंक्लाइंड। उसके बस में जो कुछ भी था उसने उस हद तक जो है हमारे आदेश का पालन किया। किया था, पर वो कुछ कर नहीं पाया था सर। नहीं लेकिन देखो, देन ही वाज नॉट एटलीस्ट रॉन्गली डिस्पोज ऑफ, ही वाज ए नाइस पर्सन, ही ट्राई टू फेवर द लॉ, ही ट्राई टू फेवर द कंप्लेनेंट, ही ट्राई टू नहीं डू द मैं बेटर। उसको ना सर, मैं इसलिए भी फोन किया, जैसे आपको बताया आपने मेरी हेल्प किया था, इसलिए हाँ उस हाँ व्यक्ति को मैं फोन करके ये बोलता कि आपने मेरी हेल्प किया था, इसके लिए मैं थैंक यू, ये केस का असली परिणाम अब ये मुझे खोजना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मिल है। जाएगा वो हाँ नाम आम भी मिल जाएगा, क्योंकि वो सेव तो हो गई डीआईजी सागर के नाम से, डीआईजी रीवा के नाम सही बात, से। हाँ 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 नहीं नाम तो मेरे पास भी है, मुझे नाम नहीं पता है डीआईजी, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन है रीवा में, नाम नहीं पता चल रहा है कि कौन था उससे, पर बस हो गया ये। चलो, मैं चर्चा करूंगा आपसे। जी और नरेंद्र, समय कम बचा है, अब लोगों जी को जोड़ो, बिल्कुल अपने काम से कर देंगे जैसे ही सर, फुर्सत मिलती करेंगे है भेज सर। जाओ इसमें, क्योंकि नहीं तो यदि आप 2024 में ये नहीं कर पाए तो 2029 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य स्तर पर करने से कोई फायदा नहीं है इतने बड़े अभियान का, ये तो बिल्कुल राष्ट्र स्तर पर ही किया जाना होगा। तो जी इसमें मेरा सोचना है कि पूरी शक्ति के साथ भिड़ जाइए, ये देश का सवाल है। ये देख, अभी बताओ ना यार, हमारे ऊपर साला इन दुष्टों ने अभी भी अंग्रेजों के नियम कानून थोप के रखे हैं, गुलामों के नियम कुछ अच्छे इंडिपेंडेंट देश के नागरिकों पर थुपना चाहिए क्या? वही दुष्ट व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, बहुत दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है। अब ये समय आ गया है कि हम इसको बदलें। हमने तो उसमें दो अपील के प्रावधान रखे हैं अपने सिस्टम में, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि फरियादी का ये सोचना है कि पर्याप्त साक्ष्य थे, इस जज ने उन साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है, तो इन दैट केस इट विल बी अपील अगेंस्ट द जज, नॉट अगेंस्ट द जजमेंट। तब उस जज महोदय को खुद कोर्ट में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा, हाँ उसको और रिव्यू यदि वो करना अपने, पड़ेगा। सुनो मेरी बात सुनो और आगे सुनो ना, यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाया तो क्राइम फ्री भारत मिशन उसे महाअभियोग से दंडित कर देगा और जी उसे कंपनसेशन भी देना होगा। हाँ देना होगा। अच्छा सर मुझे थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि कोर्ट पहुंचना है, तो आप जरूर पहुंचिए, लेकिन भिड़िए आज, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, अभी जुड़िए हाँ आप। आप लिंक भेज दीजिए, मैं जुड़ जाऊँ, कोई इशू नहीं, और हाँ मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया है, देख चलिए, लीजिए। मैं उसको सुनता भी हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई इस विजय के लिए, अरे कौन बोल रहा, ये लंबी आपको बधाई। आपको कितना साल हो गए? 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, ज्यादा हो गया। यार ये अगस्त 2021 का मैटर है, हाँ, 1.5 साल तो हो ही गया। 1.5 साल तो हो ही गया। चलिए, तो ये लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, और मैं आपके जो है इस कर्मठता के लिए आपको बधाई देता हूँ, नहीं नहीं अदरवाइज सर अदरवाइज ये सिर्फ लोग टूट जाते हैं। मैं नहीं, ऐसा मैं यदि बोल दिया तो मैं अंतिम सांस तक लड़ता हूँ, वो मेरा सिद्धांत है, वो इशू नहीं है। इसमें ये इशू था ना सर कि जो हमारे पेपर मीडिया, लोकल प्रिंट मीडिया में रीवा डिस्ट्रिक्ट में इतना उसने इमेज खराब की, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मैं ना करता। और फिर वो जो 12,000 रुपये हमने दिया था उसी को उसने जब्ती बनाई, समझ
रहे हैं ना, उसको दिया, क्या नाम है उसका, रिटर्न किया था, उसको दिया था, ये सारी चीजें थी, उसी को उसने जब्ती बना करके दिखाया वो। अब मैंने ये, मुझे अन्यायपूर्ण बर्बरता बहुत खराब, और उस बच्चे को, बेगुनाह को इतना मारा था, इसलिए मैं इसकी नौकरी को, इसकी और राकेश सिंह जो रीवा का एसपी था उसको मैं सस्पेंड कराऊंगा, इसको टर्मिनेटेड। इस चीज को आप ध्यान सुनेंगे, आप जल्दी भगवान की दुआ से सुनेंगे न्यूज। चलिए, जरूर होगा। ये सभी जो है, जितने भी दुष्ट लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई हो, अब उनके पाप का घड़ा भर गया है, उनका उनकी हार सुनिश्चित है। जी प्लीज, चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।